हेलो, अभी तक आए नहीं। मिशन भी बुलवाओगे उसको नाते लगा दूं कि अभी नहीं मैं उधर जा रहा हूँ जो मर्जी लगे नहीं जब डालो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मोहित, क्या हाल है? मोहित तुम बहुत फोन करते हो। अरे कौन कौन है? क्या चीज, क्या बोला सर आप? असल भाई आवाज आ रही है आज मेरी? हाँ आ रही है आवाज। चलो गुड है। दानिश भी है। समीउल्ला किधर गया? ग्रुप में मैसेज करो दानिश। दानिश ग्रुप में मैसेज करो, समीउल्ला नहीं आया अभी तक। और असाइनमेंट मुझे मिल गई थी आई थिंक सो, काफी बच्चों की। मैंने भी भेज जब आप लोग मीटिंग ऑन करते हो तो आप लोगों से कोई पासवर्ड तो नहीं रिक्वायर करता? नहीं नहीं सर। ठीक हो गया, मेरे से घर जा रहा था। अच्छा जी, ओके। मेरी आवाज क्लियर है जी? यस। अभी आया हुआ है। अच्छा भाई, असाइनमेंट किस किसने भेज दिया मुझे, अब वो दिखाएं।
मैंने दोनों भेजी थी आपको, एक भेजी थी उसमें प्रीप्लान स्केड्यूल भेजा था। 10 मिनट हम असाइनमेंट चेक करेंगे, उसके बाद अगला वाला लेसन पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। देख लेते हैं जी असाइनमेंट भी, और उम्मीद करता हूँ कि देखो क्लास का ना मकसद ही होता है कि डेली बेसिस पे कुछ नया सीखने को मिले। ये जो स्किल हम सीखने जा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा स्किल है। तो ऐसा भी नहीं होता कि आपको एक सेकंड के अंदर आ जाए, और ऐसा भी नहीं होता कि आपको अरसा दराज लग जाए। मेरा मकसद आप लोगों का इंटरेस्ट पैदा करना और लॉजिक बनाना है। वो जब आपका क्लियर हो गया तो इंशाल्लाह ताला आपको डेवलपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे एक बड़े प्यारे स्टूडेंट की आज जॉब लगी है रेमियर खान में। सर मैंने ग्रुप में मैसेज भी कर दिया है, और सर मैंने लोगो भी सेंड किया ग्रुप में, सर वो भी देख लूंगा। लोगो मेल करूं आपको या सर मैं सेंड कर दूं? कर दो, मैं ये खोलने लगा हूं मेल। ठीक है सर, मैं मेल कर देता हूं। सर ये जो है पोर्टफोलियो दिया मुझे सर। हां जी, पोर्टफोलियो जो है ये किस तरह बनाएंगे आप? बनाते हैं बताता हूँ, एक मिनट सब्र करो, सारे सवालों के जवाब दूंगा। यार मोहित पहले मुझे ये बताओ तुम इतने फोन क्यों करते हो? हाँ सर बच्चा एक्साइटेड है लर्निंग के लिए। यकीन करो कल इसने मुझे 7-8 फोन कर दिए, यकीन करो 7-8 फोन, यकीन करो मेरी। सर इसकी एक्साइटमेंट मैंने देखी है, इसके काम में एक्साइटमेंट देखी है मैंने, इसके इसकी बातों में, इसके जो चीज है ना, मतलब लर्निंग का वो जो होता है ना जुनून, जो मुझे कभी हुआ करता था सर वो है इसमें। हाँ नहीं, बच्चा तो माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, लेकिन यार 7 फोन माशाल्लाह ये तो देखो मैं जवाब नहीं दे रहा होता ना बात, मैं आप लोगों की क्लास के बाद मुझे और भी बहुत काम होते हैं, बात बात में जवाब नहीं दे रहा होता। ओए होए होए, इसने भाई फोन कल इसने कुछ 6-7 फोन किए हैं। मैं फोन इतने, मेरी वाइफ कहे किसके फोन आ रहे हैं आपको? मैंने कहा भाई ये बंदा आएगा हमारे पास, टेंशन में डाला हुआ है। मैम को कहना था मेरा मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट और मोस्ट एक्साइटेड भी। बस क्या कह सकते थे भाई, अल्लाह इसकी एक्साइटमेंट बरकरार रखे ऐसे ही। नहीं माशाल्लाह बच्चा तो ये इंटेलिजेंट है सर। इंटेलिजेंट तो सर सारे ही होते हैं, मसला ये होता है कि जब लॉजिक बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्डिंग में प्रॉब्लम आता है फिर बहुत सारे जो है ना भाग जाते हैं छोड़ के। ऐसे लॉजिक बिल्डिंग में प्रॉब्लम आता है, आवाजार हो जाता है बंदा भाई काम कर बहुत सर। बाज़ुकात ऐसा होता है कि एरर्स रिजॉल्व नहीं हो रहे होते। नहीं इंशाल्लाह ताला ये भी कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, जब आप लोग ठीक से काम करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, और आपका दिमाग नहीं आपकी फिंगर्स प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर रही होती। खैर देखते हैं जी स्टार्ट करते हैं ना। स्क्रीन रुकी हुई है, स्क्रीन वो हाँ हाँ वो मैंने पुट किया, मैं पासवर्ड रीसेट कर रहा था, मुझे ना पासवर्ड भूल गया, मुझे ना पासवर्ड भूल गया हमारे ये मेरे मेल का, मुझे रिकॉर्डिंग ऑन। सदाम भी आया हुआ है, सदाम ने असाइनमेंट नहीं बनाई, और ये कलीमुल्ला हमारा स्टूडेंट है, उसको मैसेज करो, उसका मैसेज आया हुआ था मैं बहुत बीमार हूँ, मैंने उसको कहा था थोड़ी देर के लिए ज्वाइन कर लो, मिस नहीं करना फिर प्रॉब्लम हो जाता है। कल की रिकॉर्डिंग अपलोडेड थी मुझे ना सर LMS पे आप कह रहे थे कि आया करेगी, लेकिन LMS पे मैंने देखा है मुझे तो नहीं मिली, मैंने खुद अपलोड की है सर। LMS पे कौन सा अपलोड में जाना है? अनिश फिर मैं तुम्हारा LMS में खोल के दिखाऊं? नहीं नहीं सर सर रहने दो मैं कर लूंगा खुद। दानिश मगरो लाया है लोगों सर जी, हुण आहा ए तो अलावा हुण मैं की करदा और मैनू होर कोई चंगा लगदा नहीं। लोगों ने फोन बुला के भेजा मुझे सर, मैं एक और बना के भेजता हूं, मैं सिर्फ क्लास के दौरान ही आपको एक और बना के भेजता हूं। नहीं नहीं अभी क्लास ले लो, बाद में बनाना। अली शहजाद सर अब ये बात देना भी जब पे आ गए इसमें होगा, ये तो सर मैंने बनाया था वो ना प्री प्लान जो बनाया था स्केड्यूल आपने कहा था, वो इसके अंदर मैंने एक लोगो देखा था
हाँ जी वो है, लोगो मैंने ऊपर रखा हुआ। ये क्या नाम रखा है भाई इसका? मैंने सर रखा हुआ था वेबसाइट का, एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है EFU, एवरीथिंग फॉर यू। इसमें मतलब हम सारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो देखेंगे। क्या प्लान किया हुआ है? ठीक है, 10 मिनट ये देखते हैं आप लोगों के असाइनमेंट्स, फिर आगे चलते हैं। कलीमुल्ला की सर, सर मैंने असाइनमेंट रेडी है, शेयर नहीं की तो शहजादे कर देते शेयर, अब किस तरह तुमसे करवाऊं? अभी शेयर कर दो सर। ये जो आपने वेबसाइट बताई थी मैंने उससे नहीं किया, ये कोई फ्री लोगो डिजाइन करके है सर, वो फ्री तो है लेकिन फ्री में ये वाला वर्जन ही वो दे रहे थे इस तरह का। हाँ मैं समझ गया हूँ, मुझे लोगों से पता लग गया, मुझे लोगों से अंदाजा हो गया था। सदाम आप वाली जरा शेयर कर दो। मैंने सर आपने जो कल बताई थी वो दीजिएगा सर। हाँ मैंने तो आपको काफी सारी बताई थी, मेरे पास एक पेड टूल है, मेरी ना नेम चिप पे मेरे पास एक पेड टूल है, वहां से भी बन जाता है फ्री लोगो। सर आप हमें फिर उससे कंपेयर करेंगे तो सर फिर तो नहीं, उससे भी हमारे वाला काम नहीं। दिमाग हो ना तो फ्री टूल से बड़े बड़े लोग काम कर लेते हैं, ये समीउल्लाह को पता होगा ना। समीउल्लाह सर कभी कभी बताया, कभी काम ही नहीं किया, लोगों को कभी हाथ तक नहीं लगाया, तो कैसे कर लें सर? बस कोई आइडिया ही नहीं है इसे करने से आज तक बनाए। अभी देखो ये बहुत अच्छी असाइनमेंट बनाई हुई है इसने, कंपनी नेम पे would you provide opportunity to our customer to get every essential product at one stop shop as we do a variety of verified vendors registered with us push showcase theek ho gaya landing page products my cart order shipment info about us contact us fact theek hai sign up payment method vendor information products place order shipment information and add a product ठीक हो गया, very good, बिल्कुल ठीक है। $100 per day, होए होए होए, अच्छा पैकाल $2 पे थे या direct $100 पे पहुंचे हुए बंदे, खुदा के बंदे। वो e-commerce website है। और ना यार, आपको पता है क्या होता है, हमारे पाकिस्तानी मार किधर खाते हैं? हमारे पाकिस्तानी मार खाते हैं जब हम ऐसा फ्रीलांसर अंग्रेजों के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो दो टाइप के पाकिस्तानी होते हैं। एक होते हैं मेरे जैसे, वो क्या कहते हैं यार कहीं ज्यादा पैसे मांग रही है तो ये मांग ही ना जाए, और एक होते हैं आप जैसे, वो कहते हैं तो इन्हें को पैसे मांग लो कि यहाँ तक काम करा नहीं है, मन ब्लॉक कर दे। तो इतना डीपली नहीं जाना ठीक है, स्टार्ट से हमने इतना ज्यादा भी नहीं गिर जाना कि हमारे काम में दखल अंदाजी हो, और इतना ऊपर भी नहीं चले जाना ताकि हमारा क्लाइंट डिस्टर्ब हो। क्लाइंट को ना हमारे इस्लाम में एक चीज है म्याना रवि, क्लाइंट को म्याना रवि के अंदर डील करना चाहिए, वो क्लाइंट कभी नहीं भागता। सही हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक बनाया है। और अपना क्या नाम है आपका, अली आपने वो पेजेस नहीं बनाए HTML वाले? वो है, है वो दूसरी असाइनमेंट देखे ना, वो efu.co.pk ये इसके साथ है। अच्छा जी समीउल्लाह का पहले देख लेते हैं अभी को। जी जी अच्छा जी, कलीमुल्लाह ने भी बनाया हुआ है लेकिन वो खुद नहीं आया, वेरी गुड। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से ना आप लोग ये असाइनमेंट्स अपनी LMS पर ही अपलोड करोगे ठीक है, मैं एक वीडियो ट्यूटोरियल बनवा दूंगा ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए। यदि कुछ समीउल्लाह ने पेजेस बनाए हुए हैं, छोटे-छोटे वेबसाइट प्लान क्या की हुई है, होम अबाउट कॉन्टेक्ट ईस्टर्न एंटरप्राइजेस ठीक है जी। और उसके बाद ये कलीमुल्लाह ने क्या बनाया हुआ है, ये कलीमुल्लाह का तो देखा था। ओके इसके बाद ठीक है जी, ये वेरी गुड है, अच्छा है, यानी कि HTML पेज तो बनाने आ गए हैं इसका मतलब। हाँ जी लेकिन एक है वो असलाइजर प्रोडक्ट्स वाला पेज ओपन कीजिएगा। हाँ जी प्रोडक्ट्स वाला पेज ये लो हो गया ओपन। अच्छा इसमें ये तो मैंने वो कोई सब लिंक लगा दिया था देख के वीडियो, लेकिन वो अगर आप मेरी वो खोले ना वर्ड वाली डॉक्यूमेंट जिसमें मैंने वो प्रोडक्ट्स लिखी हुई थी, उसमें कैटेगरीज हैं, उस कैटेगरीज को कैसे हम वो डिफरेंशिएट करेंगे वो जरा काइंडली बता दीजिए। ठीक हो गया। अच्छा हम इस वाले क्वेश्चन को
एक प्रोफेशनल वेबसाइट के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है? ये था, ये वर्ड वाली फाइल थी आपकी, और उसमें आपने क्या बताया था कि वो कैटेगरीज में आइएगा जरा प्रोडक्ट्स की, ये देखे ना कैटेगरी से, इसमें क्लोथ्स हैं, फुटवेयर्स हैं, मोबाइल्स हैं। अब इनको, इनके भी अलग अलग पेजेस बनेंगे, एक एक या इनको कुछ कैसे कैटेगराइज करेंगे? अच्छा जी, आप लोगों को एक राज की बात बताने लगो, ठीक है? ये उस बंदे को पता लगती है जो वाकई एक डेवलपर बन जाता है, ठीक है? तो आप लोगों को ये स्टार्टिंग में पता लगने लगी है, लिहाजा सारे मेरी बात गौर से सुनना। ये इसी सवाल का जवाब मैं आपको एक वेबसाइट के जरिए बताता हूँ, ठीक है? हमारे दराज के जरिए बता दूं। अच्छा जी, दराज वेबसाइट मैं खोल रहा हूँ, ये मैं draz.pk पे जा रहा हूँ। तो व्हाट यू थिंक, जितनी इस पर प्रोडक्ट है तो क्या इतने ही पेजेस होंगे? हाँ जी, यही मेरा सवाल था, ठीक है ना? जितनी कैटेगरीज है उतने ही पेजेस होंगे? नो, ऐसा नहीं होता, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, सारा स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है ना? हाँ जी जी सर, ठीक है। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, मेरे सामने ये कितनी प्रोडक्ट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं जब इसको खोलता हूँ और फिर खोलता हूँ इसको, तो आप लोग गौर करना कि मेरी ये वाली प्रोडक्ट और ये वाली प्रोडक्ट, ये दोनों है तो डिफरेंट प्रोडक्ट, लेकिन पेज के कुछ हिस्से को छोड़ के बाकी सारा पेज सेम है। देख रहे हो ये भी और ये भी? नहीं देख रहे हो? अंदर वाली प्रोडक्ट चेंज हो रही है और बाकी सब कुछ सेम है। आ रहा है नजर? मैं कभी वो ओपन करता हूँ, कभी वो ओपन करता हूँ। ये ऊपर वाला हेडर भी सेम है मेरा और नीचे वाला फुटर भी सेम है मेरा। अच्छा, अब आपको दराज का कुछ राज बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है? जो आप लोगों को शायद ना पता हो, आप देखिएगा, पहले इस चीज को फॉलो कर लो। तो बेसिकली ये पेज एक ही बना होता है, ये जो जितने, मेरे बात बताओ, ये जितने प्रोडक्ट्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, पता है किसी को? ये कहाँ से सेव हो रहे हैं, कहाँ सेव हो रहे हैं, किसी को पता है कुछ? ये जितने प्रोडक्ट है बेसिकली ये डेटाबेस के अंदर सेव हो रहे हैं। डेटाबेस वो जहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है, ऐसे ही है ना? जी जी। तो होता यूं है, वो डेटाबेस से जब प्रोडक्ट आता है तो वो एक ही लुक, एक ही टाइप के पेज के ऊपर शो होने लग जाता है। जैसे कि ये है और ये है, पेज एक ही होता है। जिस प्रोडक्ट पर सिलेक्ट किया जाता है, ये देखो, गौर करो जरा, ये वाले हिस्से पर गौर करना, ये वाले पर भी और ये वाले पर भी। ये देखो जरा, इधर से भी चेंज है, इधर से भी चेंज है। मिसाल के तौर पर मैं इस पूरे आईडी को कॉपी कर लेता हूँ, जैसे मैंने आपको यूट्यूब वाली एग्जांपल दी थी, मैं कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया। अब मैं इसके अंदर, क्योंकि मैं डेवलपर हूँ, मुझे पता ही लिंक कैसे वर्क कर रहा है, मैं इसके अंदर इसको पेस्ट करूंगा। अब आप देखना जरा, ये तो ये उधर वाला लिंक मैंने पेस्ट किया है, ये देखो, ये मेरा प्रोडक्ट चेंज हो गया, ठीक है? पेज एक ही होता है, अंदर से कंटेंट बदल रहा होता है। मिसाल के तौर पर आप शहजाद के क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं अली के, कि ये देखो, मिसाल के तौर पर ये हेल्थ है, ये मैं बाथ बॉडी, और ये जी फॉर एग्जांपल ये फुट केयर, हैंड केयर पे चला जाता हूँ। ये मैं ओपन करता हूँ नेक्स्ट टैब में, तो आप ये देखो, मेरे पास ये पेज खुल जाएगा। इसमें भी हेडर एंड फुटर सेम होगा, इसमें भी ओवरऑल हेडर एंड फुटर सेम जा रहा होगा। ये देखो, ये और ये तो हमने खैर वही पेज खोल लिया, हम बात बॉडी पे चले जाते हैं। तो ये देखो, हेडर और फुटर सेम जा रहा है, दरमियान वाला कंटेंट बदल रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंटेंट डेटाबेस से निकला है, ठीक है ना? तो कंटेंट एक ही होता है, सिर्फ लिंक्स लगे होते हैं। अली, हम इन फ्यूचर ये लिंक्स लगाएंगे भी, मैं आपको लगा कर दिखाऊंगा, ठीक है? पहले HTML को समझना। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दो। जी जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? मोहित का, मोहित क्या कह रहा था? पोर्टफोलियो क्या समथिंग कह रहा था? मैं कह रहा था पोर्टफोलियो हम कैसे बनाएंगे, मतलब कि वो क्लाइंट को तो दिखाना पड़ेगा। ये देखो कि पोर्टफोलियो कहते किसे हैं, जो आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपको कोई काम ही नहीं मिला हुआ अभी तक, फिर पोर्टफोलियो कैसे बनाना? तो आप अपने मुताबिक एक छोटी मोटी साइट बना लो अपनी। जैसे आप, मेरे हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि आप सबके पास अपने अपने नाम की डोमेन होनी चाहिए। मैंने अपने नाम की डोमेन ली हुई है, कोड विद असद। आप लोगों ने इस पर प्रोफाइल मेरे ख्याल में नहीं बनाया हुआ है तो काइंडली बना लें। ये देखिए, ये मेरी डोमेन है, ये कोड विद असद के नाम से डोमेन है, और ये मेरी वेबसाइट है। अपने अपने प्रोफाइल इस पे बनाया, कोई क्वेश्चन हो यहाँ पोस्ट किया तो, ठीक है? यहाँ आपको और भी लोग जवाब दे देंगे इंशाल्लाह।
ठीक है, तो कोशिश क्या करो कोई कोई क्वेश्चन हो या आस्क पे हुए आस्क पे क्लिक करो। इसी तरह आपके पास अपने नाम की डोमेन होनी चाहिए। डोमेन कहाँ से मिलती है, यहाँ मैं जाता हूँ गूगल पे, मैं लिखता हूँ जी गो डैडी एंड गो डैडी विल बी देयर एंड मिसाल के तौर पर हम वही सर। हाँ जी हाँ जी सर, कस्टम मेल जो होती है सर, जो डोमेन होती है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें स्टूडेंट मेल दी हुई है सर, इनके क्या फायदे होते हैं? देखो होता ही है कि अब देखो मेरे पास भी एक ईमेल है, इदारे ने मुझे दी हुई है एट द रेट, क्या नाम है इसका, asad@webeducated.com, इसी टाइप की मेल की बात कर रहे हो ना? इसी टाइप की आप मेल की बात कर सर, रहे हो? सर जी, इससे मिलती जुलती हमारी जो होती है ना, हमारी स्टूडेंट आईडी होती है। हाँ, आईडी के बाद मैं समझ गया। बेसिकली इसको बोलते हैं बिजनेस ईमेल, ठीक है, इसको बोलते हैं बिजनेस ईमेल। इस ईमेल में और सिंपल ईमेल में, जीमेल वाली में बड़ा फर्क होता है, मैं बताता हूँ कैसे। इस ईमेल का ना एक अपना रोब होता है। अब मिसाल के तौर पर मैंने व्हाट्सएप वालों को जब भी मैसेज किया ना, मुझे क्विकली रिस्पॉन्स आ रहा होता है, क्यों? उनको पता होता है ईमेल कंपनी की तरफ से आ रहा है। बाद का तो हमारा व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाता है ये इदारे का, ठीक है, इदारे का जब व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाता है तो मैनेजमेंट मुझे कहती है मेल कर दूँ, मैं मेल कर देता हूँ इदारे को। जब मैं इदारे को मेल करता हूँ तो मतलब कि व्हाट्सएप को मेल करता हूँ तो मुझे क्विकली रिस्पॉन्स आ रहा होता है, क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस ईमेल है। लेकिन अगर यही ईमेल मैं अपने जीमेल से करता तो मुझे रिस्पॉन्स ना आता। अभी कुछ अर्सा पहले क्या हुआ, मेरा एक अपना ईमेल भी है info@codewithasad.com, ये मैंने वैसे ही बिजनेस मेल्स करने के लिए रखा हुआ है। अब ये ईमेल से ना मेरी पीटीए ने सिम बंद कर दी, मैंने पीटीए को इस ईमेल से मेल की। हालांकि पीटीए गवर्नमेंट का इदारा है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन समथिंग इसका एब्रीवेशन है, तो मैंने इस ईमेल से उनको, इन पीटीए वालों को मेल की कि भाई ये क्या तमाशा है, मैं मेरा सिम बंद कर दिया आप लोगों ने, वजह क्या है? अच्छी खासी मैंने गुस्से वाली मेल की, मुझे 2 घंटे बाद कॉल आ गई। उनको पता लग गया था किसी बिजनेस की तरफ से मेल, किसी बिजनेस पर्सन की तरफ से मेल आएगी। इसी तरह अगर कल को जैसे समीउल्लाह है, समीउल्लाह एक क्लाइंट से बात कर रहा है मेरे ख्याल में, आजकल वो है रेस्टोरेंट वाली साइट बनवाना चाह रहा है मेरे ख्याल में, क्या बना उसका समीउल्लाह? समीउल्लाह की आवाज नहीं आ रही, चलो हम बात कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम यही मेल अपने बिजनेस ईमेल से करते हैं ना, तो उसका इंप्रेशन जो होता है ना वो अलग जाता है। अब मिसाल के तौर पर हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है समीउल्लाह, पहले मुझे ये करने तो फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ जी mohitazhar.com, तो आप ये देखना कि मेरे पास mohitazhar.com के नाम से एक डोमेन आ जाएगी। अब ये डोमेन अगर आपने खरीद ली है तो कोई और नहीं खरीद सकता इसे, ये डोमेन 999 की है फर्स्ट टाइम अगर आप लोगे। अगर मैं लूंगा तो ये मुझे 4,000 की पड़ेगी, क्योंकि मैंने अपने कार्ड से अच्छी खासी डोमेन्स खरीदी हुई हैं, ठीक है। तो आप सबके पास अपने अपने नाम की तो डोमेन होनी चाहिए। फिर होस्टिंग की बात आती है, होस्टिंग का टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम वापस आ जाते हैं अपने कोड की तरफ। अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे HTML, उसके अंदर हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ था दिस वन। सर इन प्लेटफॉर्म्स को, इस तरह की वेबसाइट को क्या कहते हैं सर, जो rosy.com, jobwish.com, इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, तो क्या कहते हैं सर? यार इसमें ना कैटेगरी होती है, एक वेबसाइट की टाइप्स की कोई नेमिंग नहीं होती है, वो हम अपने मर्जी से डिसाइड करते हैं। जैसे कि jobwish.com है, इसको jobwish.com का आइडिया बना रहे हो, इसको हम क्लासिफाइड साइट बोल सकते हैं, जहाँ हम इस तरह की HR की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। इसको क्लासिफाइड साइट भी बोल सकते हैं, इसको फॉरम भी बोल सकते हैं, तो ये हमारी अपनी मर्जी है, इसको जो मर्जी बोले। तो सर एक कैची सी लाइन मेरे माइंड में आई है सर, वो कैसी रहेगी मतलब? क्या सर? ये लैंड अ जॉब, ये तो स्लोगन हुआ ना, ये आप अपनी मर्जी से रख लेना, ठीक है सर। सही है वैसे सर ये, अच्छा है, बनाओगे तो बहुत समझूंगा, वैसे तो मैं अच्छा कहता ही रहूंगा। HTML लिखा हुआ था, तो ये उसी पे बेस्ड है ये? नो,
एक बात याद रखो, ASP.NET में बनी है। सदाम ने सबसे पहले जवाब दिया था, बाद में दानिश का भी जवाब आ गया था कहीं उड़ता फिरता। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। एक वेबसाइट आपने कहा था कि रिसर्च करनी है, मैंने रिसर्च की, तो वो अच्छी बात है। हो सकता है रिसर्च सदाम के नंबर से कर ली हो, कुछ कह नहीं सकता। अल्लाह की कसम सर सदाम भाई के मैं इनबॉक्स में आज तक नहीं गया था। मेरा इरादा था पहले जाकर मैंने अपनी रिसर्च की। बस अच्छा, मेरी बात सुनो। एक वेबसाइट ना मल्टीपल लैंग्वेजेस का मजमुआ होती है। ठीक है, मैं आपको अपना कोई प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, दिस वन, ये सी में जाके, एग्जाम में जाके, मेरे पास शायद कोई प्रोजेक्ट इस वक्त खुला पड़ा होगा, मेरे पास प्रोजेक्ट कोई खुला पड़ा होगा तो मैं दिखाता हूँ। मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं खुला हुआ, सारे दूसरे बड़े प्रोजेक्ट हैं। एनीवेज मैं बताता हूँ, जैसे कि ये प्रोजेक्ट खुला हुआ है कि एक वेबसाइट ना मल्टीपल लैंग्वेज का मजमुआ होती है। ठीक है, एक वेबसाइट में जौन सी चीजें कंपलसरी हैं वो तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये आपके सामने एक सॉफ्टवेयर खुला हुआ है HTML, वो तो कंपलसरी है, वो हर वेबसाइट में होनी है। CSS वो भी कंपलसरी है, JavaScript वो भी कंपलसरी है। ये तो हो गया फ्रंट एंड का काम, एक वेबसाइट की पहचान कि भाई ये कौन सी लैंग्वेज पर बनी है उसके बैकएंड से पता लगता है कि वो बैकएंड उसका किस पर बना हुआ है। मिसाल के तौर पर PHP.NET और लारावेल, या जो है रूबी ऑन रेल्स, जैसे कि ये W3School.NET पर बनी है। बेसिकली ये .NET पर नहीं बनी है, ASP.NET पर बनी है। ASP.NET का फ्रेमवर्क है। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा वो भी जरा kindly बता दें। अच्छा, ये पता कोई नहीं लगता होता, ट्रिक्स होते हैं जिनसे पता लग जाए, वो भी एक डेवलपर को ही पता लगेगा, आम बंदे को पता नहीं लगेगा। ठीक है, कुछ टूल्स भी हैं जो बता देते हैं, लेकिन रियलिटी वही बता सकता है जिसने बनाई है, क्योंकि बैकएंड की लैंग्वेज के। अब देखो ना, ये मेरे पास W3Schools है, मैं यहाँ Ctrl+U करता हूँ तो देखना मेरे सामने HTML खुल जाएगी। अब मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि ये आगे एक्सटेंशन .asp है, मुझे यहाँ से पता लगा था। ठीक है, अब ये देखो, कभी भी बैकएंड की लैंग्वेज शो नहीं होती, फ्रंट एंड की कंप्लीट लैंग्वेज शो हो जाती है, लेकिन बैक एंड की लैंग्वेज ना तो हैकेबल होती है और ना ही शो होती है। अब ये देखो, ये .asp लगा हुआ एक्सटेंशन, मुझे यहाँ से पता लग गया, .html भी हो सकता था, लेकिन जब हम बैक एंड पे जाएंगे तो फिर HTML को भी हम PHP में ही लिखेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये आपके सामने एक पेज खुला हुआ है, ये देखो, ये HTML लग सर, ये जब मैंने सर स्टार्ट की थी ना लर्निंग, मैंने एक दफा मेरा टीम डेवलपिंग की तरफ थोड़ा सा आया तो सर मैं उसमें भी देख रहा था सर, ये क्या सीन होता है कि मतलब जब PHP आप करने लगते हैं फिर HTML को भी आप PHP में ही लिख रहे होते हैं। ये डिपेंड करता है ना, अब ये HTML की ये लैंग्वेज की फैसिलिटीज होती हैं। मैं PHP के अंदर HTML लिख सकता हूँ, लेकिन HTML के अंदर PHP नहीं लिख सकता, JavaScript के अंदर HTML नहीं लिख सकता, उसके अंदर सिर्फ JS रहती है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ। अब ये मिसाल के तौर पर देखें, ये मेरे पास HTML सामने खुली हुई है, लेकिन ये मैंने किया हुआ है सिंगल इवेंट .blade.php वाली फाइल के अंदर। तो ये डिपेंड करता है आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब आप लोगों को ये तो समझ आ रहा होगा, ये W3School किसने रिसर्च किया था? सर मैंने किया था। इसका ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स पे आ जाओ। एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं? ये एट्रीब्यूट आप लोग कर चुके हो, लेकिन आप लोगों को पता नहीं। मिसाल के तौर पर मैं ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करता हूँ, तो ये इसका तो पता है ना, ये तो लगाना आता है ना। अब आपको ये लिंक पे क्लिक किया तो अगले पेज पर चले गए, है ना? तो इसमें ये जी, जो HRF लगा हुआ है ना, ये दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एक इनपुट का टैग लगाता हूँ, और एक इनपुट के टैग लगाने के बाद मैं उसको टाइप कह देता हूँ टेक्स्ट की, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ ऐसे, तो ये देखो, ये मेरे पास इनपुट खुल रही है। ये तो ये जो ये दरमियान में है ना टाइप, ये है मेरा एट्रीब्यूट। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप लोग कौन से टैग के अंदर एट्रीब्यूट है, कौन से के अंदर नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर फिर हेडिंग भी है, हेडिंग की भी आपको समझ आ रही होगी, ऐसे ही हेडिंग की भी आपको समझ आ रही होगी। पैराग्राफ भी है,
पैराग्राफ की भी आपको समझ आ रही होगी, ये भी हमने किया था। उसके बाद आगे चल जाते हैं, स्टाइलिंग को भी रहने देते हैं, फॉर्मेटिंग की भी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ना समझ आए मुझे बता देना है, ठीक है। ये ना हो कि मैं इसको इस तरह करता जाऊं और आप लोग बोलो कि सर लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये देखो पैराग्राफ के अंदर बी का मतलब बोल्ड, आई का मतलब इटैलिक, ये सबस्क्रिप्ट का मतलब कि सब्सक्रिप्शन जो एक टेक्स्ट के अंदर अनबोल्ड चीज होती है। इस चीज की समझ आ रही है सबको? यस सर, क्लियर है। ये बोर्ड की समझ आ गई, वो पीछे से नहीं समझ आई, एंड वाली साइड ये सबस्क्रिप्ट। अच्छा, ये सबस्क्रिप्ट, बेसिकली ये सबस्क्रिप्ट ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है ना। ये देखो जरा, ये मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। ये सर स्पेशली मैथमेटिक के लिए यूज होता है। एग्जैक्टली, एट द रेट देने के, मतलब कि वो पावर देने के लिए या अंडर रूट बनाने के लिए, बेस बनाने के लिए, पावर बनाने के लिए, बिल्कुल ऐसा ही है। ये यूज द मैथ था, मुझे भूल गया हुआ है, ये आप लोगों को ज्यादा पता होगा क्योंकि आप लोग स्टूडेंट दौर से गुजरे हैं। तो ये देखो ना, ये छोटी, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सर्च करना। ऐसा ये मैंने आज तक मैंने एस यू बी वाला टैग यूज नहीं किया, ऑनेस्टली मैंने जिंदगी में कभी यूज नहीं किया। अच्छा, आगे चलते हैं, ये सारे के सारे टैग। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं टेबल्स की तरफ, ठीक है। टेबल को समझना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। आपको पता है आज से तकरीबन कोई जो 10-15 साल पहले सारी वेबसाइटें टेबल्स पर बना करती थी, हर वेबसाइट टेबल की बेस पर बनती होती थी, टेबल बेस्ड वेबसाइटें होती थी। क्यों? क्योंकि टेबल के अंदर काम करते थे तो हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होती थी। रिस्पॉन्सिव का मतलब अलग है, ये देखो जैसे कि मेरे पास ये एक्सटेंशन है, गूगल के ऊपर लिखना वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस चेकर, क्रोम एक्सटेंशन आपके सामने आ जाएगी। तो जी क्रोम एक्सटेंशन लगा लो यहाँ से, ये क्रोम एक्सटेंशन आप लोगों के सामने आ जाएगी। इसको आप लोगों ने ऐड कर लेना अपने एक्सटेंशन के अंदर, ताकि आप लोग वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सको। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये W3 स्कूल है, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये गैलेक्सी S6 एज के पोर्ट्रेट मोड पर खुल जाए। तो ये देखो, ये मेरे सामने उसका पोर्ट्रेट मोड खुल जाएगा। इससे पता लगता है कि एक वेबसाइट कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है और कितनी कौन कौन से, क्योंकि हर मोबाइल की रेजोल्यूशन अलग है ना। आईफोन वाले अपनी रेजोल्यूशन अलग रखते हैं और ये एंड्रॉयड वाले अलग रखते हैं। इसके अलावा हर किस्म की रेजोल्यूशन अलग होती है, उस हिसाब से ये एक्सटेंशन आपको बताती रहती है, ताकि आपके क्लाइंट्स भी अपनी साइट की रिस्पॉन्सिवनेस ऐसे चेक करते हैं। अच्छा, हम टेबल पे आते हैं। तो टेबल पर वेबसाइट इस वजह से बनाई जाती थी बिकॉज टेबल पर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनती थी, लेकिन वो भी कंप्लीट रिस्पॉन्सिव नहीं होती थी। रिस्पॉन्सिवनेस का कैसे पता लगता है कि अगर मैं इस अपने क्रोम को छोटा कर रहा हूँ, ये क्रोम को छोटा कर रहा हूँ, तो देखना मेरे पास, इसको बोलते हैं स्क्रोल। ये स्क्रोल जो है वर्टिकल तो आ रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्क्रोल नहीं आ रहा। जब आपका स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल नहीं आता ना, तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। अगर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आने लग जाए तो वो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होती। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये हम कर रहे थे जी, और मैंने साइट का नाम रखा था जो बिश ये है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ये बताइएगा कि सिर्फ, मतलब ये जो HTML है, ये सिर्फ लैंग्वेज है, हम इसको कह सकते हैं कि ये सिर्फ टैग्स वाली लैंग्वेज है, इसमें सिर्फ टैग्स यूज होते हैं। इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कह सकते, किसी अच्छे सॉफ्टवेयर मार्कअप लैंग्वेज है ना सर। मैं इसको अगर आपको आप किसी सीनियर डेवलपर के सामने बोलोगे ना कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप पर हंसेगा। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज कह सकते हैं इसको, या मार्कअप लैंग्वेज है ये, सिंपल। ये कोई कोडिंग नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। हाँ, कोड इसको कह सकते हैं। अब तक तो आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट बना होगा, भाई कोडिंग करना प्रोग्रामिंग करना सेम है ना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कोड इज अ डिफरेंट थिंग एंड प्रोग्रामिंग इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना। अच्छा, हम टेबल पर आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो टेबल होते हैं वो रोज और कॉलम्स पर बने होते हैं ना? जी जी, ऐसे ही है ना। और जी, अगर एक टेबल के अंदर रो हो लेकिन कॉलम ना हो तो वो टेबल ही नहीं कहलाएगा, या कॉलम हो लेकिन रो ना हो वो टेबल कहलाएगा ही नहीं, ऐसे ही है ना। Yes, sir. लिस्ट हो जाएंगी। अब देखो, मैं आप लोगों को एक टेबल बनाकर दिखाता हूँ। अच्छा, टेबल हम बिल्कुल सिंपल सा बनाएंगे। मैं कॉन्टेक्ट वाले पेज में जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक टेबल बनाता हूँ, फिर इसको हम खोल लेते हैं।
मैं लिखता हूँ जी टेबल के टैग को ऐसे करके, ठीक है। बेसिकली टेबल आपको देखने से भी समझ आ ही जाता, लेकिन मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को टैग्स के मतलब आ रहे। ये टेबल का टैग ओपन भी हो गया है और क्लोज भी हो गया। अब इस टेबल के टैग के अंदर मुझे, मैंने आपको बताया टेबल रोज और कॉलम की बेस पर बनते हैं, यानी कि अगर रो होंगी तो कॉलम्स भी होंगे और कॉलम्स होंगी तो रो भी होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक टी आर का कॉलम जो है ना टैग लगाता हूँ, टी आर मतलब टेबल रो। ये मैं कॉलम को बंद कर लेता हूँ तो ये मेरा एक टी एक रो बन जाती है। अब इसके अंदर मुझे कॉलम्स बनाने हैं, ये देखो टी डी फुल नेम, ओके, उसके बाद फिर टी डी ईमेल एंड फिर टी डी फोन नंबर एंड फिर टी डी, एक अच्छा सा टेबल बना लेते हैं हम, ठीक है। फिर टी डी और इसको हम कह देते हैं जी जेंडर, फिर टी डी इसको एक्शंस कह देते हैं। मैं बताता हूँ ये एक्शंस कैसे आएंगे, एक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं पेज खोल लेता हूँ, मेरे पास कॉन्टैक्ट का पेज है, ये आ गया कॉन्टैक्ट का पेज। ये देखो फुल नेम ईमेल फोन नंबर जेंडर एंड एक्शन, ये एक रो के अंदर आ रहे हैं, ऐसे ही है ना। यस सर। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बॉर्डर कर दूं, तो मैं जस्ट टेबल के अंदर जाऊंगा बॉर्डर और मैं लिख दूंगा इसको 1 pixel। एक बात याद रखो कि स्क्रीन की साइजिंग 1 pixel में होती है। तो ये देखो ये मेरे पास ये बॉर्डर आ गया है। अच्छा अब मैं इसके नीचे एक और रो बनाता हूँ। अब एक बात याद रखो कि अगर आपने टेबल को अच्छा व्यू देना है तो जितनी रो जितने कॉलम्स आपने बनाया वो कॉन्स्टेंट उतने ही होने चाहिए। मैं लिख देता हूँ असद, फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ asad@webeducators.com, उसके बाद एक और लिख देते हैं जिसमें बाद मैं मेल लिख देता हूँ, उसके बाद एक्शन के अंदर मैं बटन डाल देता हूँ। अच्छा अब यहाँ बटन के अंदर एक टैगिटी में लगाऊंगा, मैं कहता हूँ इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो अगर कोई मेरा ये चीज डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर दे। ये देखो ये अब क्योंकि ये वर्किंग में नहीं है, उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि इसके ऊपर हमने अभी बैकएंड की फंक्शनैलिटी नहीं लगाई हुई। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। देखो आपका दिमाग ही होता है जो आपकी वेबसाइट को अच्छी लुक की बनाता है। फिर यहाँ पर रीसेट बटन यूज कर सकते हैं सर, तो जोन सा आपका दिल करे आप वो कर सकते। बटन टाइप क्लास को हटा के टाइप लगा दे सर। मैं देखना अभी आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। अच्छा अब ना मुझे ये, अब आपका दिमाग जितना अच्छा काम करेगा ना आपकी साइट की लुक भी उतनी अच्छी होगी, ठीक है। जैसे कि ये मेरा टेबल सेंटर में आ गया। अच्छा अब मैं ये चाह रहा हूँ यार ये बटन अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मैं क्या करूँ। मैं चाह रहा हूँ अगर इस बटन की जगह मैं आइकन लगा दूँ डिलीट का, डिलीट का आइकन होता है ना बास्केट बनी होती है, तो मैं कैसे लगाऊंगा आइकन। मैं गूगल पर जाऊंगा, गूगल पर जाऊंगा और जाके मैं लिखूंगा फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम 4 पे क्लिक किया और 4 पे क्लिक करने के बाद देखना आपको ना बने बनाए आइकन्स काफी मिल जाएंगे। वैसे फॉन्ट ऑसम 5 भी आ गया हुआ है लेकिन मैं 4 ही यूज करता हूँ, मुझे 4 ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप लोग देख लेना अपने 5 यूज करना है 4 यूज। ये देखो ये बने बनाए आपको आइकन्स मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं ट्रैश का आइकन ढूंढता हूँ, तो ये देखो ऐसा होता है ना डिलीट का लगा हुआ आइकन। यस सर जी। यहाँ मैं फेसबुक लिखता हूँ तो ये देखो मुझे फेसबुक का आइकन मिल गया। यूट्यूब लिखता हूँ तो मुझे यूट्यूब का आइकन मिल गया, यूट्यूब प्ले का ये प्ले बटन। ये आपने देखा ना अपनी एप्लीकेशन में जब आप क्लिक करते हो तो वो गाना चल स्टॉप हो जाता है, जब आप प्ले पे क्लिक करते हो बटन ऐसा हो जाता है, होता है ना आपकी अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में ऑडियो वीडियो पे, तो वो बेसिकली ये वाले आइकन लगे होते हैं, वो कोई उन्होंने डिजाइन नहीं किए होते, तो हम भी यही वाले आइकन यूज करते हैं, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको यूज कैसे करना है, मैं साथ में लिखता हूँ W3 Schools, W3 Schools पे जब मैं क्लिक करूंगा ना तो आप ये देखना कि यहाँ पर मुझे इसकी हेडर फाइल मिल जाएगी। वो हेडर फाइल कौन सी है, ये वाली, ये लिंक का टैग, ये वाला टैग क्लोजेबल नहीं होता, ठीक है, ये टैग क्लोजेबल नहीं होता। मैं इसको लगाऊंगा हेड के अंदर,
ये क्या करता है बेसिकली, ये टैग दूसरी फाइल, किसी दूसरी हेडर फाइल को आपके साथ अटैच कर देता है, दैट्स व्हाई इसको हेड में लगाया जाता है। अब देखना, मैं इसको सेव करने के बाद इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे सामने कोई भी चेंजेस नहीं लेके आ रहा, क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने इसको कॉल ही नहीं किया। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा और ये ट्रैश वाला आइकन था, ये देखो ये ट्रैश वाला मेरे जहन में आ रहा था कि हम डिलीट की जगह ये ट्रैश लगा सकते हैं, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको इस ट्रैश का HTML का कोड नीचे मिल जाएगा। बाजुकात ना इसके ऊपर इसके आगे FAS भी लिखा होता है, वो फिफ्थ वर्जन है, फोर्थ नहीं है, हम इस वक्त फोर्थ यूज कर रहे हैं। ये कंट्रोल एस करूंगा, आप ये देखना जरा, ये मेरा ट्रैश का आइकन आ गया। अगर इधर मैं एडिट लगाना चाहता हूँ तो मैं यही बटन को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब क्योंकि मुझे बटन के कोड्स याद हैं, क्लास के अंदर जाकर मुझे यहाँ कोड कॉल करना पड़ता है, ठीक है, वो मुझे याद है, आप लोग भी याद हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये डेटा आ गया, समझ रहे? अब इसी तरह मैं इसको, इस टेबल को बड़ा कर सकता हूँ। कैसे? मैं टेबल रोज को करता जाऊंगा, देखो ये मेरे पास मेरा टेबल आ गया, कितना काफी बड़ा। तो ऐसे टेबल्स के अंदर आपने देखे, किसी नादरा की वालों के पास जाओ अपना सॉफ्टवेयर, उनके सॉफ्टवेयर में जहाँ डाटा ऐड कर रहे होते हैं, वो डाटा बेसिकली इस तरह इस टाइप के टेबल्स में शो हो रहा होता है। आपने गौर किया कभी? जी सर। ऐसे तो वो टेबल बेसिकली ऐसे चल रहे होते हैं। अच्छा थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर कोई ऐसा टूल नहीं है जो हमें सर टेबल इस तरह के बने बड़े डिजाइन, हमें डबल लाइन देनी, जो डबल लाइन देनी है, हमें ग्रेडेड लाइन मिल जाएंगे। अभी देखो ना, हम ऐसे टेबल्स देखेंगे। मैं WCO स्कूल पे वापस आता हूँ, आप देखना कि हम इस तरह के टेबल्स भी बनाएंगे, लेकिन पहले इस टेबल को समझो। हम डिजाइन किए हुए टेबल्स बना सकते हैं, ठीक है, नो इशू, लेकिन पहले इस टेबल के सिंटैक्स को समझना जरूरी है। जैसे कि अब इन्होंने ये टेबल बनाया हुआ, ठीक है, आप इस टाइप के टेबल्स की बात कर रहे हो, है ना, ये डिजाइन किए हुए, ये सर मैंने जी सर, जी सर कुछ ही बनाए हैं सर, टेबल आउटलाइन वगैरह नहीं है। बिल्कुल, तो बेसिकली ये टेबल्स इंशाल्लाह ताला हम बनाएंगे, लेकिन आपको टेबल का सिंटैक्स समझना जरूरी है उसके बाद, ठीक है। हमने ज्यादा स्पीड में नहीं जाना, ज्यादा छलांग नहीं लगाने, बिल्कुल सिंपलिसिटी में रह के हमने काम करना है, ठीक है, ताकि हमें समझ भी आ जाए। अच्छा तीन चार चीजें और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये टेबल मेरे पास बना है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो फुल नेम है ना, ये जो ये है, ये वाला सेल, ये सेल इस पूरे को कवर कर दे, ईमेल वाले को भी। तो मैं क्या करूंगा, ये देखना जरा, कहाँ गया मेरा टेबल, कितनी जगह होगी, हाँ ये देखो, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा जी कॉल स्पैन टू। तो ये देखो ये मेरे पास टू आ गया, लेकिन ये पूरा कॉलम मेरा पूरा सेल बन गया, तो इसकी वजह से ये मेरा ये वाला हिस्सा बाहर निकल गया। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखना, ये मेरे पास कुछ इस तरह आ गया। अब मिसाल के तौर पे अब मैं इसको आपको यूज भी करके दिखाऊं किसी चीज में प्रैक्टिकली, लेकिन आपको समझ नहीं आना, वरना मैं यूज कर लूं, क्या कहते हो? इसी तरह रोज पैन भी होता है 20। यस सर, यूज करके दिखाएं सर। यार यूज तो मैं करके दिखा दूं, मैं भी एक ना टास्क कर रहा था जिसके अंदर ये क्या नाम है इसका टेबल यूज हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो टास्क का बैकएंड प्रोग्राम आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा सर, इसमें कोई ऐसा सिस्टम होता है कि मतलब हम जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एक्सेल की टाइप के जो मतलब होते हैं शीट्स होती हैं सर, वो इस तरह इसमें बन सकती हैं वो? क्यों नहीं बन सकती? आपने गूगल एक्सेल नहीं देखा क्या? गूगल एक्सेल वो इसी पर तो बना हुआ है, ये गूगल एक्सेल इसी पर बना हुआ है। सर एक्सेल की सेल्फ कितनी फंक्शनैलिटी है, तो सर उसको इसमें कैसे लेके आए? वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कोडिंग पे बना रहे हो, ठीक है। अब ये लोग डॉट ये गूगल के ऊपर ये लोग एंगुलर जेएस पर मोस्टली काम करते हैं, लेकिन इन लोगों ने एंगुलर जेएस को कॉपी किया हुआ है, इन्होंने काफी हेल्प माइक्रोसॉफ्ट वालों से भी किया। ये सेल ऐसे ही तो बने हुए हैं, आपको क्या लगता है कि
इन्होंने कहीं स्पेशल करा होगा, ये देखो ये पीछे HTML लिखी हुई है सारी की सारी, HTML with JavaScript, ये सेल ऐसे ही बने हुए हैं, तो ये बन सकते हैं ऐसे, कोई इतना मसला नहीं है। हाँ मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ये बहुत बड़ा मसला है। सर हम एक्सेल का डाटा स्प्रेडशीट पूरी HTML में इंपोर्ट कैसे करेंगे? कर सकते हैं, मतलब के मिसाल के तौर पे ये सवाल कौन पूछ रहा है, अली शहजाद पूछ रहा है। हाँ अली शहजाद कर सकते हैं, ये देखो मेरे पास ये डाटाबेस है आप लोगों के साथ। अभी ना मैं एक टास्क कर रहा था, ठीक है, वो टास्क में ये कर रहा था कि मुझे असाइनमेंट वाले टेबल के अंदर असाइनमेंट का डाटा प्रिंट करवाना है और उसको लेकर जाना है। हम पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूं, हम इसके अंदर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ इंपोर्ट पर जाओ और इंपोर्ट पर जाके अपनी एक्सेल शीट को यहाँ अपलोड कर दो, वो सारा डाटा जब डाटाबेस के अंदर आ जाता है फिर हम कोडिंग करके ना उस डाटाबेस से डाटा को फेच कर सकते हैं HTML के अंदर। ये थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल का और लंबा प्रोसेस होता है। अच्छा इसके अलावा सवाल के थोड़ा सा आगे चलें। अच्छा ये आइकन्स आप लोगों ने अब लगा कर देखने हैं, ठीक है। अच्छा ये टेबल्स भी आ गए हैं हमारे पास, अब ये लिस्टिंग भी है, इस लिस्टिंग का भी आपको पता लग गया होगा कि ये लिस्टिंग कैसी है। अब आप लोगों ने ना एक और काम करना है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट, चलो असाइनमेंट आप लोगों ने नेक्स्ट वीक ही सबमिट करवानी है, तो नेक्स्ट वीक कल ही देखेंगे इसको, क्या नाम है इसका, टास्क को हम कल ही देखेंगे। मिसाल के तौर पर ये आई फ्रेम है, आप लोगों ने कई वेबसाइटों के ऊपर लगी देखी है YouTube की वीडियोस, कई वेबसाइटों के ऊपर YouTube की वीडियो चल रही है, वो HTML से चल रही होती है, ठीक है ना, वो HTML से इम्बेड की हुई होती है, ठीक है। ये देखो मिसाल के तौर पर अच्छा YouTube के ऊपर वीडियो अपलोड करके वेबसाइट के ऊपर डालने का फायदा ये होता है कि वेबसाइट पर डालने का फायदा ये होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा लोड भी नहीं आता और आपका काम भी चल जाता है। ये देखो जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं ये वाली वीडियो डालता हूँ, आप सर तो सर आवाज कट रही है आपकी दानिश, दोबारा पूछ लेना क्वेश्चन जो भी पूछना होगा। अच्छा आवाज आ रही है मेरी? जी सर अब आ रही है, ठीक हो गया, वो क्लासेस कनेक्ट हो गई थी। ये देखो मैं एम्बेड पे क्लिक करता हूँ ना तो ये आई फ्रेम मेरे पास आ जाता है। अभी इस आई फ्रेम को मैं यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ, ये मैं अबाउट वाले पेज में जाता हूँ और उसके अंदर ये मैं लिख देता हूँ, तो आप ये देखो कि अगर मैं यहाँ से अबाउट वाली फाइल खोल लेता हूँ तो ये कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने, नहीं अबाउट वाली फाइल सॉरी, ये देखो यहाँ पर मेरे पास मेरी YouTube की वीडियो वो वाली आ रही है, ये चल भी रही है, ये देखते ये वीडियो चल भी रही है। अब इसके अंदर ये देखो, इस कोड के अंदर देखो जरा गौर से, ये एट्रीब्यूट्स भी शामिल है, ठीक है ये। अच्छा सर इसकी पोजीशनिंग जो होगी सर वो फिर हम खुद डिसाइड करेंगे या मतलब इसकी स्टाइलिंग से करेंगे पोजीशनिंग सर? देखो पहले हम हाइट विड्थ सेट करते हैं फिर हम वो भी कर लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ 700 पिक्सल हो जाए, तो क्या होता है ये देखो, ये मेरी विड्थ देखना, ये बड़ी हो गई है वीडियो। मैं चाहता हूँ कि जी इसकी विड्थ भी 700 पिक्सल हो जाए और 415 चल जाए, ये देखना जरा, ये मेरी वीडियो पिक्चर बड़ी से बड़ी होती जा रही है। अच्छा यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि ये देखो जब मैं स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ ना तो ये नीचे स्क्रोल आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। आपकी वेबसाइट में अगर हॉरिजॉन्टल स्क्रोल आ जाता है तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं रहती, ठीक है। हमेशा याद रखो कि वेबसाइट में किसी भी व्यू में कभी भी हॉरिजॉन्टल स्क्रोल नहीं आना चाहिए, ठीक है, इस चीज का आप लोगों ने हमेशा ख्याल रखना है। अब आपको मजे की एक चीज दिखाऊं कि अगर मैं ये देखो इस वक्त मैंने विड्थ दी हुई है 700 पिक्सल्स, ठीक है, कुछ भी ना दो तो ये पिक्सल्स होता है, ठीक है, 700 पिक्सल्स का तो पता है ना, जी जी, कुछ भी ना दो तो ये पिक्सल्स होता है। तो अगर मैं
इसको पिक्सल्स के हिसाब से सेट करके, ये इसको मैं स्क्रीन को छोटा करता हूँ, तो इसकी विड्थ ने 700 पिक्सल ही रहना है, बेशक इसको जितना मर्जी छोटा कर दो। क्यों? क्योंकि हमने इसको कहा है 700 पिक्सल से नीचे नहीं जाना। लेकिन अगर मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 80%, तो ये देखना जरा आप, ये देखो ये 80% बढ़ गया। लेकिन मैं स्क्रीन को जितना छोटा करता जाऊंगा ना, अब देखना मेरे पास स्क्रोल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहले हमने 700 पिक्सल किया हुआ था। हो सकता है जिस व्यू पर वो खुली है वो स्क्रीन ही 700 पिक्सल की ना हो, तो वो नीचे स्क्रोल ले आते हैं कि इसका 700 पिक्सल कवर हो जाए। लेकिन अगर मैंने 80% काट दिया, तो यहाँ से ये पता लगा कि ये 80% बेशक उस स्क्रीन का हो, बेशक इस स्क्रीन का हो, दोनों का सेम ही रहता है। मिसाल के तौर पर मैं हाइट है, मैं हाइट भी कह देता हूँ जी 50% है हाइट। अब ये देखना क्या होता, हाइट में मेरे ख्याल में कोई चेंजेस नहीं है। ये देखो हाइट में भी थोड़ी बहुत चेंजेस आ गई हैं। ये देखो ये इसकी विड्थ आ गई है 50%, और वो वीडियो नीचे से क्रॉप भी हो गई। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, तो ये देखो इसने अपने मुताबिक उसको डाल लिए। समझ आया कि पिक्सल्स और विड्थ में क्या, परसेंटेज में क्या डिफरेंट है? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको देखनी है। इंशाल्लाह ताला कल हम स्टाइलिंग पर मूव करेंगे, इंशाल्लाह ताला, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे स्टाइलिंग पर मूव करने से पहले पहले आप लोगों को ये क्लासेस रहने दो और स्टाइलिंग रहने दो, बाकी सब कुछ आ रहा हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं फॉर्म बनाना चाहता हूं, डिव टैग भी सर करके आना? नहीं, डिव टैग की जरूरत नहीं है अभी, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको इन फ्यूचर कराऊंगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक फॉर्म बनाना चाहता हूँ, तो ये और एक फॉर्म के अंदर मैं एक इनपुट लगाऊंगा। इनपुट क्या करता है, जहां अगर हमने किसी अपने यूजर से इनपुट लेनी है, तो हम इनपुट कुछ इस तरह लगाएंगे, ठीक है। ये लेबल और मैं लिखता हूँ जी ईमेल, ठीक है। और ये पासवर्ड, और पासवर्ड मैं लिखता हूँ कुछ इस टाइप पे, ठीक है। अली समझ आ रही है आपको? और ये मैं यहाँ से पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है। और ये मैं यहाँ पर बटन लिखता हूँ, और यहाँ मैं कर देता हूँ सेव। ऊपर वाले का टाइप ईमेल कर देना सर, फर्स्ट वाले का, इसका टाइप, हाँ इसका टाइप ईमेल कर देते हैं। आपको पता है ये चीज भी हैकेबल है, ये कोई सिक्योर नहीं है। इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर इसको हैक भी करके देखेंगे। ये अच्छा कॉन्टेक्ट वाला पेज था, तो मैं लिख देता हूँ contact.html। तो ये देखो ये मेरे पास ये ईमेल खुल गया, ये मेरा पासवर्ड आ रहा है, ठीक है। ये पासवर्ड की टाइप, क्योंकि हमने पासवर्ड रखी है, तो जिस वजह से ये पासवर्ड की फॉर्म में ही शो हो रहा है हमें। तो इसी तरह ये चीजें चलती हैं। अगर आप नीचे चले जाओ इसमें क्या नाम है इसका, टेबल के अंदर, आप एक काम करना, कोशिश करना कि टेबल के अंदर एक फॉर्म बना के दे, ठीक है। आपने एक काम करना है, आपने ना एक, मैं आपको लिखकर भी सेंड कर दूंगा, मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपने एक पर्सन की जो कंप्लीट बायो डिटेल होती है ना, जिस जो आईडी कार्ड बनाने के लिए ली जाती है ना, वो आपने एक फॉर्म के अंदर लेनी है, ठीक है। और वो फॉर्म टेबल की फॉर्म में बनाओ, जैसे कि हमने टेबल बनाया था ना अभी इसी वाले पेज के अंदर बनाया था, उस टेबल के अंदर फॉर्म बनाओ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक फॉर्म का टैग लगा देता हूँ, फिर इसके अंदर मैं टेबल लगाता हूँ, उस टेबल के अंदर मैं कहता हूँ जी टेबल रो, और टेबल के रो के अंदर मैं कहता हूँ जी फुल, सॉरी इसके अंदर मैं कह देता हूँ जी TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग, मैं कह देता हूँ जी फुल नेम। और उसके बाद मैं पासवर्ड पे चला जाता हूँ, ये और इसके इनपुट पे चला जाता हूँ, ये मैं इनपुट का टैग लगा रहा हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो आप ये देखना ये मेरे पास ये टेबल की फॉर्म में ये आ गया। अगर मैं इसको बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो मैं इसका एट्रीब्यूट यूज करूंगा, बॉर्डर मैं कह दूंगा जी 1 pixel। तो ये देखो ये आ गया, समझ आया कुछ? आपने इस तरह की फॉर्म का एक टेबल बनाना है, और उस टेबल को एक बंदे से पूरी उसकी बायो डिटेल लेनी है। समझ आया? क्लियर? यस सर जी। एनी क्वेश्चन सर? ये जो सॉफ्टवेयर आपने बताया ना, हाँ हाँ, इसका मुझे थोड़ा सा बता दी यूज किस तरह करना है, जिसपे आप कोडिंग कर रहे थे।
ये सबलाइम सॉफ्टवेयर है, क्लास को एक दफा गौर से सुन लिया करो, आप गौर से नहीं सुनते, फोन करने पे जोर दिए होते हैं। ये देखो सबलाइम, गूगल पे लिखो ये सबलाइम आ जाएगा, टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक किया, यहाँ से आप लोगों ने विंडोज के लिए डाउनलोड कर लेना है सबलाइम। सबलाइम जब डाउनलोड करो, डाउनलोड मैंने कर लिया है, इसको मैं कह रहा हूँ यूज किस तरह करना है, इसको इंस्टॉल भी कर लिया आपने? हाँ जी। अच्छा आप, अच्छा आपने अब अपना प्रोजेक्ट बनाना है, मैंने कल भी बताया था, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ तो उसका एक फोल्डर बना लिया करो, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये प्रोजेक्ट आए हैं, ये मेरे पास सामने फोल्डर खुले हुए हैं, फिर इस आपने सबलाइम को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद ये फाइल पे क्लिक करोगे ना तो ये ओपन फोल्डर आ जाएगा। ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करके आपका जो भी प्रोजेक्ट वाला फोल्डर है उसको क्लिक करके तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, तो ये फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। इस तरह आपने किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है, मिसाल के तौर पर अब मैं जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ उसका फोल्डर है ये वाला HTTalks, उसका फोल्डर है ये वाला। आप उसके अंदर देखो कितने सारे फोल्डर्स बने हुए हैं। मैंने क्या किया है, मैंने उस फोल्डर को ओपन कर दिया इसमें, तो ये मेरी सारी की सारी फाइलें। अब इस प्रोजेक्ट में कितनी फाइलें हैं, आप लोगों को भी इतनी ही फाइलें बनानी है, देखते हैं इस प्रोजेक्ट में फाइल्स कितनी है। मैं प्रॉपर्टीज पर जाता हूँ तो देखो इस प्रोजेक्ट में, देखो कहाँ तक जा रही, 10,000, ये देखो फोल्डर्स कितने हैं, फाइलें कितनी, ये सारे फोल्डर और फाइलें आपको खुद बनानी पड़नी है। लेकिन अभी हम बिल्कुल स्टार्ट लेने, देखो 11,576 इसके अंदर फाइलें हैं, फोल्डर फाइलें हैं, और 1,673 इसके अंदर फोल्डर्स हैं। ये फोल्डर्स और फाइलें इसी तरतीब में अगर आप बनाओगे ना तो फिर इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना आपके लिए आसानी होगी, बनिस्बत इसके कि अगर आप डायरेक्टली खलारा डालते जाओ तो आपको समझ ही नहीं। अब मुझे पता है कि इस प्रोजेक्ट की सारी फाइलें इसी फोल्डर के अंदर है, यहाँ से बाहर नहीं जानी। समझ आया कुछ? यस। अच्छा बाकी के लोग, मुर्तजा भाई, मुर्तजा बोलता नहीं है यार ये लड़का, मुर्तजा समझ आया कुछ? सदाम, सदाम को समझ आया? यस सर। अच्छा जी दानिश, मुझे तुम सब के नाम याद। जी सर, मुझे भी। अभी मैं लेता हूँ, आप लोग बोले ही ना, मुर्तजा नहीं बोल रहा। जी सर, जी सर समझ आ रहे हैं। अच्छा मुर्तजा बोला, शुक्र है जी बोल रहे। अच्छा जी, अच्छा सर ये सबलाइम का जो आपने बताया था ना उसमें, यानी कि जैसे ट्रिब्यूट वगैरह में ऐड कर रहे हैं, वो खुद से लिखना पड़ रहा है, खुद से नहीं आ रहे? खुद से नहीं आ रहे, कौन से सॉफ्टवेयर? ये सबलाइम आ जाएंगे, आपने ना इस सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया होगा, और अगर अपडेट कर दिया है तो ना यहाँ से कहीं से एक्सटेंशन भी इंस्टॉल हो जाती है। मैंने कभी की नहीं है इसमें एक्सटेंशन, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ से ना एक्सटेंशन में जाके, ये देखो ब्राउज पैकेजेस में जाके यहाँ से ना इंस्टॉल हो जाती है एक्सटेंशन। गूगल पे लिखना HTML एक्सटेंशन तो वो आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं। देखो इसकी कलर स्कीमिंग भी है भाई, पहले नहीं था इसमें, क्योंकि मैंने ज्यादातर जो है विजुअल कोड पे ही है, वहां पे हर चीज जो है। हाँ विजुअल कोड भी कर लो, कोई इशू नहीं है, मेरा सजेशन ये है कि ये कर लो, आगे आपकी अपनी मर्जी है, आपने जैसे मर्जी इसको लेकर चलना हो। कोई और क्वेश्चन किसी का तो पूछ लें। सर मेरा इससे प्रोजेक्ट थोड़ा सा हटके क्वेश्चन एक, तो वो ये है कि आई हर्ड के अक्सर लोग कहते हैं कि आपको अगर प्रो प्रोग्रामर बनना है, बहुत एक्सीलेंट प्रोग्रामर बनना है, तो आपको मैथ में भी एक्सीलेंट होना पड़ेगा, इज दैट ट्रू सर? मैथ बहुत जरूरी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो दानिश, लेकिन बेसिकली मैथ का ना इस कोडिंग से ताल्लुक कोई नहीं है। मैथ में स्ट्रॉन्ग होने से मुराद ये कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, नथिंग एल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो इतने साल आपको मैथ पढ़ाया जाता है ना, उसके पीछे वजह यही होती है कि आप लोग अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना सीखो। तो कोडिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग ही आपका मेन स्किल होता है, तो अगर आपको तो मैथ्स अच्छी आती है तो यू कैन बी अ गुड प्रोग्रामर, और अगर अच्छी नहीं भी आती तो इसमें कोई मसला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आप आगे कर सकते हो। मतलब कि कोडिंग जब आपके हाथों पे आती है, मुझे अरसा हो गया मैंने मैथ को खोला ही नहीं है,
मैंने लास्ट टाइम कोई 2015 में मैथ खोला था, उसके बाद मैंने मैथ नहीं खोला कभी। तो काफी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आप इंटीग्रेशन डेरिवेशन यूज कर रहे हो, नो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप लोग इसके अंदर सिंपली जिसे कहते हैं लॉजिक बिल्डिंग इस्तेमाल कर रहे हो। इसमें कोई इंटीग्रेशन डेरिवेशन नहीं यूज होती, ना इसमें कोई दूसरी चीजें यूज होती, इसमें जस्ट सिंपल लॉजिक बिल्डिंग है। और लॉजिक बिल्डिंग आपको मैथ सिखा देता है। कोई और क्वेश्चन? खैर इंशाल्लाह ताला जो है इस वीक के अंदर आपका एलएमएस भी अपडेट हो जाएगा, तो आप सारी की सारी जो है ना असाइनमेंट्स आप अपने एलएमएस पर दिया करोगे, ठीक है। और मजीद कोई क्वेश्चन हो ग्रुप में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि आप लोगों ने एक फॉर्म को टेबल के अंदर बनाना है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं जमा करवानी है। अब हम नेक्स्ट वीक ही आप जमा करवाएंगे, खुला टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। सर फोन भी कर सकते हैं आपको, मैसेज कर लेना यार, फोन भी कर लिया करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन छह छह सात सात फोन ना किया करो, ठीक है। कहीं इधर उधर भी होता है कि नहीं पता लगता फोन का, फिर ना उठाओ तो फिर एक से दस से फोन, ग्यारह फोन, बारह फोन, तो बेहतर है मैसेज कर लो। ग्रुप इसलिए बनाया गया है, बहुत ही जरूरी काम है तो कॉल कर लो, फिर कॉल तो उठा ही लेता है, लेकिन बाद नहीं उठाया जाता, फिर क्या होता है जिस बंदे ने एक कॉल किया नहीं उठाई यार कोई जरूरी काम होगा, इसको बैक कॉल कर लेते हैं। अब मोहित कॉलें करें, हाँ आठ आठ, और मैं उठाऊंगा ही नहीं, फिर मैं कहूंगा इसको पहले तो सभी से कर लें, तो फिर से पूछूंगा क्या बात। अच्छा सर सीएसएस पे कब तक जा रहे हैं? इंशाल्लाह कल सर, कल। अच्छा सर ये जो ये टीएच का टैग है जहाँ फुल नेम लिखा है, हाँ हाँ, इसको थोड़ा दोबारा से कर दें। बेसिकली टीएच को बोलते हैं मोहित टेबल हेडिंग, ठीक है, ये देख लो, जैसे कि ये है ये टेबल हेडिंग है, ठीक है, ये बोल्ड सा शोर है, और अगर मैं टी एच की जगह यहाँ पर टी डी लगाऊंगा ना, तो ये देखना ये बोल्ड नहीं रहेगा, ये देखो वो बोल्ड नहीं है, और अगर मैं इसको वापस वैसे ही कर देता हूँ तो आप ये देखो बोल्ड हो गया, ठीक है, ठीक है। और कोई सर कल ही हम सर जम कर जाएंगे सीएसएस पे, तो फिर एचटीएमएल मतलब अपनी खत्म हो गई बस? ना 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 ना, कल हम एचटीएमएल एंड सीएसएस यूज करेंगे, नॉट खत्म हो गई, एचटीएमएल नहीं खत्म होती, हम HTML, अब ये HTML का हमने बाजू पकड़ा है ना, ये एंड तक जाएगी। ये मैंने आपको बताया कि अगर HTML को सारे टैग एक एक दिन लगा कर पढ़ेंगे तो कम से कम एक साल चाहिए। क्या CSS के अंदर HTML टैग को स्टाइल करेंगे उसमें? इंशाल्लाह हम CSS में जो जंप करेंगे ना, वो जंप को इतना नहीं है, आपको सिंटैक्स समझ आ गया ना, किसी भी लैंग्वेज में एक्सपर्ट होने के लिए आपको उसका सिंटैक्स समझ आना चाहिए, क्या सिंटैक्स आ गया है ना समझ, तो आई थिंक सो दैट्स इनफ। अब अगर हम क्या करेंगे, आप HTML के अंदर CSS को भी मिला लेंगे, जब HTML और CSS हमारे हाथों में फेमिलियर हो जाएगा, फिर उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को भी मिला लेंगे। सर वो तो मुझे पता है, मतलब कैसे करते हैं कि CSS की एक शीट बना के उसका लिंक है, वो ऊपर हेडर में उसका लिंक दे देते हैं, ऐसे ही है, मतलब कि जब आप CSS आपके साथ फेमिलियर हो गया, जावास्क्रिप्ट मिला ले, जावास्क्रिप्ट फेमिलियर हो गया तो PHP मिला ली, फिर लारावेल मिला ली, फिर Node.js मिला ली, लाइववायर मिला ली, वो इट्स अप टू यू। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इन चीजों पर हम ज्यादा HTML पर महीना ना लगाएं, महीना जावास्क्रिप्ट पर लगाना बनता है, क्या कहते हो? लेकिन मेरे ख्याल में ये वक्त नहीं है बताने का, मतलब ये वक्त नहीं है इसको एडजस्ट करने का, अलबत्ता हमने HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट यूज करनी है। सर जो लेआउट्स होते हैं वो जावा से बनवाएंगे? ना 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 ना, जो लेआउट्स होते हैं वो HTML में ही बनाएंगे बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप। जावास्क्रिप्ट का काम जस्ट सर्चिंग की हद तक है, आपके ऑन पेज फंक्शनैलिटीज की हद तक है, ठीक हो गया। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल इंशाल्लाह, ठीक है, अपना ख्याल रखना, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं ग्रुप में भी, ठीक है, और मजीद कोई किस्म का वो ईमेल कर लो। इंशाल्लाह ताला ये असाइनमेंट हम आपकी नेक्स्ट वीक लेंगे, और कल हम CSS की स्टाइलिंग पर मूव करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, एडवांस लेवल की स्टाइलिंग पर, ठीक है, अपना ख्याल रखना इंशाल्लाह ताला, करते हैं कल, अल्लाह हाफिज़। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है।
क्वेश्चन सर, ये मैंने समीउल्ला बात कर रहा हूँ सर। एक ना आपको मैंने वो मेल की थी प्रोजेक्ट, वो तो देख लीजिए। मेल किस पर किया था? वो जहाँ पर असाइनमेंट है ना उसके ऊपर नेक्स्ट मेल वही है। आपकी ये मेल मुझे दो आई हुई है, ये आपके सामने मैं खोल देता हूँ जी। स्क्रीन शेयर नहीं है। कौन सी वाली मेल है समीउल्ला, ये वाली या ऊपर वाली? नहीं ये तो ऊपर वाली है। इन दोनों में से कौन सी मिला है, ये वाली? जी ये खोल, यही है। ये नहीं, नीचे वाली सर, प्रोजेक्ट की है ना वो मैंने। नहीं मुझे प्रोजेक्ट वाली कोई मेल नहीं आई हुई, दोबारा कर दो, मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लो। चलो ठीक है, और दोबारा कर दो मेल, और उस बंदे से भी बात चलाओ, नहीं चलती मुझे बताओ, हम बात कर लेते हैं उससे, फाइनल कर लेते हैं। ठीक हो गया, इंशाल्लाह मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखना। और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी एलएमएस की, एक ना आपको गाइडलाइन वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। सो अगर जिसका एलएमएस अभी तक यूज करना नहीं आया तो वो वीडियो देख के यूज कर ले, ठीक है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।